हाँ जी, तो देखें कैसे झटपट से बन गई है हमारी चिकन पाई, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा किस तरह से आज हम बनाते हैं ये डिलीशियस चिकन पॉट पाई, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस चिकन पॉट पाई। तो इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसके लिए हमने लिए हैं कुछ मशरूम्स, इनको हमने इस तरह पीसीज में काट लिए, और 1 कैरेट, इसको भी ब्रिक पीसीज में इस तरह से काट लिए, और थोड़ा सा चिकन, इसको हमने जो है वो वाटर में डाल के, जस्ट आपने सिंपल वाटर में डालना है, और जब ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें ब्लैक पेपर, टर्मेरिक पाउडर थोड़ा सा, एंड सॉल्ट डाले, और हल्की सी वो ब्लैक पेपर, तो 1 ऑनियन, इसको इस तरह से चॉप कर लिए, जस्ट 3-4 जवे गार्लिक के, एंड थोड़ा सा मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर जस्ट 2 टीस्पून, एंड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, एंड धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, एंड गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने डालना हो, अदरवाइज़ फ्रेश गार्लिक भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने रखा है एक पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जस्ट 2 टीस्पून ऑयल, इसमें हम डालेंगे ऑनियन, इसके साथ ही हम डालेंगे गार्लिक, ताकि ये भी हल्का सा जो है ये इसको ब्राउन कर लेंगे। ये ऑनियन एंड गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो गया, तो अभी हम इसमें डालेंगे मशरूम। देखिए मशरूम जो है वो आपने जरा थोड़े ज्यादा डालने हैं। ये कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ये सेम तरीका होता है, लेकिन जब आप जो है वो मकदार कम या ज्यादा हो तो आप उसी हिसाब से जो है अपने जो चीजें होती हैं उनको कम या ज्यादा कर लें, लेकिन तरीका जो होता है वो सेम ही होता है। इसमें हम डालेंगे कैरेट, एंड साथ में हम इसके डाल देंगे ब्लैक पेपर एंड धनिया पाउडर, सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन का ये जो हमने बनाया था, इसको आपने इस तरह से पीसेस में कर लेने हैं जो चिकन है। तो अभी हम जो चिकन का स्टॉक बचा था
इसको हम इसमें डाल देंगे। और जब ये कैरेट थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फोर फाइव मिनट तक हम इसको पकाएंगे कैरेट के सॉफ्ट होने तक। हाँ जी, तभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से मटर। क्योंकि मटर जो हमारे ये फ्रीज होते हैं, मतलब फ्रोजन होते हैं, तो इस वजह से जो ये मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो कैरेट जो है ये सॉफ्ट हो गई है, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। आपने इसमें जो वो थोड़ा सा वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये इसमें हम डाल लेंगे। हाँ जी, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हैवी व्हिपिंग क्रीम। फ्लेम जो है इसको हम अभी लो पे कर लेंगे। बहुत मजे की है, अभी से ही इसकी इतनी जबरदस्त स्मेल आ रही है और बहुत ही मजे की ये बनती है। आप ट्राई करेंगे वन टाइम तो आप अगेन अगेन इसको बार बार बनाएंगे। तो अभी हम स्टोव को बंद कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये डो ये बनाई थी जो पाई क्रस्ट, तो इसके लिए मैंने एक जो ये पेड़ा था इसको ऐसे मैंने बेल लिया और यहाँ पे रख दिया, डाल दिए इसमें तो पैन में। और अभी हम इसमें डाल लेंगे आपने इसको जो ये है इसको वेट करना है ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो तब आपने इसमें ये डालना है, गरम गरम आपने नहीं डालना। तो इसी तरह ही अभी हम ये जो दूसरा है इसको हम बेल लेंगे। इसका मैंने जो है ये पहले भी अपने चैनल में बताया कि इस तरह इसको हमने किस तरह से बनाना है, मैंने ये डो जो ये बनानी वहां पे बताई है। तो अभी हम इसको भी बेल लेंगे। हाँ जी, तो इतना को हम बेलेंगे जैसा जो इसके ऊपर ऐसे। देखिए ऐसे, तो अभी हम इसकी जो साइडें हैं इसको देखे इस तरह से, देखे ऐसे।
देखिए से आपने जो है चारों तरफ से इस तरह से कर लेना है, ये टू फिंगर से इस तरह से आपने दबा के। हाँ जी, तो अभी हम इसमें से इसका कट लगा देंगे ऐसे। तो अभी हम इसको ओवन में रख देंगे 350 पे, 350 पे। हाँ जी, ओवन हमने रखा है 350 पे, तो अभी हम इसको जो है ये ओवन में रख देंगे। हाँ जी, तो देखें पाई हमारी रेडी है। तो आपने इस तरह से जब 5-6 मिनट के बाद ये अच्छे से ज़रा डाउन नीचे से ऐसे अच्छे से कुक हो जाए और साइडें अगर बर्न होने लगें, तो आपने इस तरह से अल्मोनियम पेपर आपने काट के साइडों पे इस तरह से रख दें ताकि जो साइडें हैं वो बर्न ना हों। तो चलिए अभी हम इसको काट लेंगे। सो डिलीशियस, मेक मी वेरी हंग्री, बहुत ही मजे की है, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। हाँ जी, तो देखें कैसी जबरदस्त हमारी पाई, चिकन पाई रेडी है। बहुत ही ये डिलीशियस है, बहुत ही मजे की है। हाँ जी, देखें। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आसिया का किचन, ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत ही मजे की है।